जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल वाजपेयी राइड्स में। तो यार अपने सामने खड़ी है बजाज पल्सर RS 200 2024 मॉडल। तो भाई गाड़ी में क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या क्या गाड़ी के फीचर हैं, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। तो गाइस गाड़ी के बारे में शुरू करने से पहले आप लोगों को शोरूम की डिटेल बता देते हैं। तो हम आए हैं JPS बजाज लखनऊ रिंग रोड, और शोरूम की डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बाकी भाई इस शोरूम पे आएंगे तो गाड़ी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सस्ती देखने मिल जाएंगी। जैसा मैं सभी लोगों को बता चुका हूँ कि JPS बजाज में गाड़ी सबसे ज़्यादा सस्ती मिलती है बजाज की। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स लगे हैं, इधर NS लगी है, N लगी है, बाकी क्रूजर में अपनी एवेंजर लगी है, यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं। तो गाइस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 1,73,000 रुपये लखनऊ में। तो भाई ये ऑन रोड आप लोगों को देखने को मिल जाएगी 2,09,000 रुपये के आसपास। तो गाइस 200cc के सेगमेंट में फ्रेम्ड बाइक सबसे सस्ती यही देखने को मिलती है। तो गाइस फ्रंट का कुछ इतना ज़्यादा बल्की लुक लगता है आप लोगों को, 200cc के सेगमेंट में अपाची 310 RR वाला लुक देखने को मिल जाएगा भाई, हल्का फुल्का वैसा ही लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा लुक कैसा लगता है। तो भाई आप लोगों को LED इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, आप लोगों को DRL से LED देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे दो प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसका जो नाइट परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फ्रंट में कुछ ऐसा, बाकी यहाँ पे आप लोग नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और गाइस बात करें इसके मड गार्ड की, तो जैसे NS में आता है कार्बन फिनिशिंग में सिंगल मड गार्ड, उसी तरीके से इसमें भी आता है डुअल चैनल ABS के साथ, ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस चेंज ये हो गया है कि यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक आप लोग थे वो बाइबर के कैलिपर और बड़ा सा डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और ABS आने लगी 2017 के बाद, तो इसमें कुछ ऐसा है। बाकी जो अलॉय की डिज़ाइन है वही NS वाली डिज़ाइन है। और इसमें टायर की बात करें तो टायर आप लोगों को 100x80 का 17 इंच का अलॉय देखने को मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर MRF का। तो भाई टायर की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और गाइस अगर बात करें सस्पेंशन की, तो वही पुराना अप डाउन सस्पेंशन देखने को मिलता है, इसमें USD फोक्स नहीं आते हैं जबकि NS में भाई USD फोक्स आते हैं। तो भाई बजाज वालों को ये अपडेट कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो भाई इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी भाई वहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा इसका जो रेडिएटर लगा कितना ज़्यादा बड़ा है भाई, 200cc की गाड़ी देखा इतना बड़ा रेडिएटर, भाई क्या ही कहना हो। बाकी भाई रेडिएटर गार्ड भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बजाज की सभी लिक्विड कूल्ड गाड़ियों में। यहाँ पे सिंगल हॉर्न सेटअप देखने को मिलता है, और गाइस साइड में कुछ ऐसा लुक लगता है आप लोगों को, फुल्ली फ्रेम्ड बाइक है, मतलब देखा जाए तो रेसिंग स्पोर्ट, RS का फुल फॉर्म ही है रेसिंग स्पोर्ट, तो भाई रेस के लिए गाड़ी बनी हुई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जान है गाड़ी में। तो भाई लुक उतना ज़्यादा बल्की लगता है, अग्रेसिव लुक देखने को मिल जाता है, आगे से इतना भड़कीला सा लगता है। बात करते हैं इसके इंजन की, तो भाई इंजन वही पुराना NS वाला ही देखने को मिलेगा, 199.5cc का लिक्विड कूल्ड इंजन 6 गियर बॉक्स के साथ आता है, 4-वाल इंजन। अगर तो गाइस अगर पावर की बात करें, इसमें 24.5 PS का पावर मिल जाता है आप लोगों को 9,750 RPM पे। और गाइस अगर बात करें इसके मैक्स टॉर्क की, तो 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा 8,000 RPM पे। पावर के मामले में गाड़ी बेस्ट है 200cc के हिसाब से। और गाइस ये E20 मॉडल के साथ आता है, मतलब इसमें एथेनॉल 20% यूज कर सकते हैं भाई। साइड में ब्रेक के लिए कुछ ऐसा बना है, यहाँ से आप ब्रेक और गियर का पोस्चर वो काफ़ी ज़्यादा सही बैठता है, मतलब चलाने वाले को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और गाइस बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो भाई एग्जॉस्ट आप लोगों को डोमिनार वाला देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सिंगल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। जॉस की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देखने में लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस बात करें इसके रियर सस्पेंशन के, रियर सस्पेंशन वही मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो गाइस ये डुअल चैनल ABS के साथ गाड़ी आती है। आप बात कर लेते हैं इसके रियर व्हील की, तो भाई रियर व्हील की बात करें तो इसमें भी MRF का नायलॉन ग्रिप देखने को मिलता है जैपर। टायर साइज की बात करें तो इसमें 130x70 का 17 इंच का टायर देखने को मिलता है। अलॉय का साइज भाई काफ़ी ज़्यादा बल्की सा है, मतलब डिज़ाइन देखा जाए NS और RS में तो अलॉय का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, बाकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कलर देखिए कॉम्बिनेशन मिल जाता है ब्लैक और वाइट का, जो कि चलने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इसके डिस्क ब्रेक की बात करें तो भाई इसमें ना जो अपाचे में जैसा डिस्क ब्रेक आता है वैसा आता है, तो इसमें जो हीटिंग का जो इशू होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी भाई डुअल चैनल के ABS के साथ आता है, ब्रेकिंग तो अच्छी होगी, वही बाइबर का कैलिपर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और तो RS में जो है NS से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मड गार्ड की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग पीछे से पूरा व्हील कवर है, अगर आप तेज चलाते तो उड़ के पिलियन पर नहीं आता है, और गाइस यहाँ से पूरा देख रहे हैं कवर है, तो कीचड़ जो है आगे सॉकर तक नहीं आता है, जिससे सॉकर खराब होने की जो चांसेस होते हैं कम हो जाती हैं। भाई पीछे का लुक कुछ ऐसा लगता है। बात करते इसके टेल लाइट की, देखा जाए तो बजाज की सारी गाड़ियों से इसका यूनिक टेल लाइट आता है। यहाँ पर से आप लोगों को कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, और ये रहा पीछे का डिज़ाइन। भाई टायर आप लोगों को थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो भाई ये टायर है ना यही N160 में आता है, जो सबसे पुराना मॉडल पल्सर N160 का यही टायर सेम देखने को मिलता था, तो टायर की क्वालिटी मेरे हिसाब से ओके ओके है।
तो गाइस अगर बात करें इसके सीट की, तो भाई सीट पोस्चर 800 mm के आसपास इसका सीट की हाइट है। भाई सीट की क्वालिटी की बात करें तो ये थोड़ी सी हार्ड सीट आप लोग देखने को मिल जाएगी, और भाई यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी हैंडल पकड़ने करने का नहीं मिलेगा। अगर आपको गाड़ी साइड वाइड करना है तो भाई यहाँ से हाथ डालेंगे तो इस गाड़ी को उठा सकते हैं। ऐसा कुछ है इसके सीट का डिज़ाइन, भाई जहाँ पर से आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उठा उठा सा है। भाई यहाँ पर आप लोगों को टैंक पैड देखने मिल जाएगा, और गाइस बात कर लेते हैं अगर जो इधर साइड, तो यहाँ पे भाई चैन, मोटी सी चैन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और भाई यहाँ पे CS6 गियर बॉक्स के साथ गाड़ी आती है। रियर में आप लोगों को पिलियन फुटरेस्ट होता है वो नहीं देखने को मिलेगा, और शायद आफ्टर मार्केट भी नहीं आता। यहाँ से आप सीट ओपन कर सकते हैं चाबी लगा के। और भाई ये गाड़ी सिंगल स्टैंड के साथ आती है, डबल स्टैंड के साथ गाड़ी नहीं आती है, जबकि NS200 या NS160 सब में डबल स्टैंड देखने को मिलता है, जबकि इसमें डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक आप लोगों को 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। कंपनी क्लेम करती है काफ़ी ज़्यादा माइलेज, लेकिन 35 के आसपास इसका माइलेज देखने को मिल जाएगा आप लोग सिटी में, और हाईवे पे 40+ माइलेज देखने को मिल जाएगा। हैंडल की बात करें तो भाई इसका जो डिज़ाइन है ना, और इसका जो पोस्चर आप लोगों को बनता है बैठते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है गाड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा झुकना पड़ जाएगा, जैसे NS वगैरह है आप लोग थोड़ा स्टैंड रहना, जबकि इस गाड़ी में थोड़ा सा आप लोग झुकना पड़ेगा चलाने के लिए। अगर हाइट आपकी कम है तो थोड़ा सा झुकेंगे, और भाई काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फील देती है गाड़ी 200 cc के सेगमेंट में। और गाइस यहाँ पे आप कूलन के लिए व्यवस्था दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर कूलन डलवाना तो गाड़ी का पूरा सब कुछ जो फ्रेम वगैरह है खुलवाना नहीं पड़ता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके मीटर की, तो मीटर ऑन करके आप लोग दिखाते हैं कैसा लगता है। तो भाई मीटर में कोई भी अपडेट नहीं है। तो गाइस जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस जब मीटर जैसा आ रहा था वैसा ही मीटर में कोई भी अपडेट नहीं है। वही अनलॉक प्लस डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को। गियर इंडिकेशन जो है वो बढ़ गया, तो गियर बताएगा, टाइम बताएगा, साइड स्टैंड के लिए है, स्पीडोमीटर है, 0 temperature दिया गया है, और गाइस इसमें ट्रिप वगैरह भी हैं। और यहाँ पे आप लोग फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, ये RPM मीटर है, ये ABS की लाइट है, बाकी यहाँ पे नॉर्मल जो लाइट्स वगैरह होती हैं वो हैं, यहाँ पे सेटअप है। तो भाई ऐसा कुछ है। बात करते हैं इसके स्विचेस की, तो भाई स्विचेस ये रहा इसका ऑन ऑफ, ये इसका सेल्फ हो गया। और यहाँ पे आप लोग पासिंग देखने को मिल जाएगी, ये हाई बीम लो बीम है, इंडिकेटर लाइट है, हॉर्न लाइट है। हॉर्न की आवाज़ आप लोग सुना देते हैं, तो भाई हॉर्न की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो गाइस एक बार आप लोगों को गाड़ी की आवाज़ सुना देते हैं। भाई गाड़ी स्टार्ट करने पे कुछ ऐसी आवाज़ आप लोग देखने को मिलेगी, एक बार थोड़ा सा रिप करते हैं और सुनाते हैं आप लोगों को आवाज़। तो भाई RS की आवाज़ का क्या ही कहना, RS जो BS3 BS4 जो जैसी आवाज़ आज देखने को मिलती थी, वैसी 200 cc में कोई भी गाड़ी में आवाज़ देखने को नहीं मिलती थी। और गाइस इसमें भी आप लोगों को कोई भी एडजस्टेबल लेबर देखने को नहीं मिलते हैं, क्लच और ब्रेक के जो लेबर हैं वही पुराने लेबर, इसमें एडजस्टेबल लेबर देखने को नहीं मिलता है, स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलता है, क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता है। तो भाई गाड़ी में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, जो पुरानी चली आ रही उसी तरीके से गाड़ी, इसमें बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ, जैसे इसके टायर्स में थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ गई, और इसका जो ब्रेक है उसमें परफॉर्मेंस बढ़ गई, क्योंकि इसका जो बाइबर का कैलिपर दे आया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस और कुछ इस गाड़ी में चेंज नहीं हुआ है। तो गाइस यही कुछ था इस गाड़ी में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस गाड़ी पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।